भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बैठक में भारतीयों के लिए वीजा से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बात की थी। उन्होंने यूएस वीजा में लगने वाले टाइम का मुद्दा उठाया था और इस बैठक का असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अब यूएस वीजा मिलने में लगने वाले वक्त को कम करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी सरकार की वेबसाइट से पता चला है कि भारत में वीजा एप्लीकेंट को सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल से ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ता है, जबकि चीन के लिए ये समय सीमा केवल 2 दिन है। और ये वही चीन है जो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को एक आंख नहीं भाता। बस इस बात से भारत अमेरिका से खासा नाराज चल रहा था। यूएस एम्बेसी में काउंसलर मामलों के मंत्री डॉन हेफलिन ने गुरुवार को कहा कि भारत में वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों के 1 साल से भी कम वक्त में प्री कोविड लेवल पर लौटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अस्थाई स्टाफ की नियुक्ति से यूएस वीजा के लिए वेटिंग पीरियड को कम करने में मदद मिलेगी। डॉन हेफलिन ने कहा, अच्छी खबर यह है कि हम कोविड से रिकवर कर चुके हैं और कोविड के बाद स्टाफ की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। कोविड के पीक पर और फिर उसके बाद हमारे पास लगभग 50% वीजा स्टाफ था, अब हमारे पास 70% तक स्टाफ है। हम अगले साल इस समय से पहले लगभग 100% स्टाफिंग करने जा रहे हैं। एक समय पर हम फिर से कोविड से पहले की तरह 100% तक वीजा एप्लीकेशन को हैंडल करने वाले हैं। जैसे जैसे अमेरिकी दूतावास में स्टाफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वीजा को लेकर लगने वाला वक्त भी कम होता जाएगा। बहरहाल अब भारतीयों को अमेरिकी वीजा के लिए होने वाली दिक्कतों से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।